नहीं करा अभी भी। दो प्लेयर्स डाउन कर दिया, जोनाथन ने भी एक प्लेयर को डाउन किया था। अब टीएस एंडीटी, अब अच्छे पुशेस यहां पर शायद देखने को मिल सकते हैं, और वही टीएस एंडीटी यहां पर निकाल रहे रिजेक्स का लेट के से रखो पिक ऑफ जरूर किया गया। जोनाथन को उनका पहला किल मिलता हुआ, नियो भी अपना किल निकालना चाहेंगे एक साइड से, और रिजेक्स का लेट के बाकी जो प्लेयर्स है पीछे वेब और यूरेली जो बचे हैं उनको अब बचे रहना या फिर इस फाइट में कोई भी गलती नहीं करनी क्योंकि मैन एडवांटेज उनके पास नहीं रहेगा। हां यहां से स्नाइपर का एक प्रॉपर एडवांटेज रह सकता है अगर एक बढ़िया शॉट निकल कर आ सके, लेकिन शॉट निकलने के बाद भी क्या वो पुश नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां पर तीन प्लेयर्स रहेंगे, दो प्लेयर्स ओपन से पुश करना एक दिक्कत होती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाने। बट वेब अभी भी फाइट ले रहे हैं, नॉक डाउन किसी को नहीं होने दिया, टीएस एंडीटी के क्लच गॉड को थोड़ा सा डैमेज हालांकि पड़ा था बट यूरली फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे। अब उन्हें शायद पता होगा कि सर्वाइवल पॉइंट्स पहले ही ले लेने चाहिए बिकॉज एक प्लेयर के लॉस में आप अभी भी हो। सर्कल के अंदर अपने आप को देखना फॉर श्योर, उन्होंने मेगा स्टार्स की रोटेशन देख ली तो तभी वो थोड़ा सा ब्लू जोन का डैमेज भले उनको लेना पड़े तो भी ले रहे थे, बट जोनाथन को नॉक डाउन कर रहे यूरली ने एक रिवेंज फायर, और रिवेंज फायर के साथ साथ पूरा फिनिश भी करने की कोशिश करेंगे। बट सामने से नी और क्लच गॉड भी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, अब सामने से भी रिटेलिएशन फायर, कोई कवर नहीं यूरली के पास, क्या रिवाइवल का मौका है, बट नहीं नियो को भी यहां पे खो देंगे टीएस एंडीटी के प्लेयर्स। बट जोनाथन वो ब्लीड आउट होता हुआ नजर आएगा थोड़ी देर में, बट यूरली ही विल गेट फिनिश फॉर श्योर बिकॉज़ जी गॉड के पास कवर था। बट अब एक क्वेश्चन ये है कि जोनाथन को बचाने के लिए लाइक एक पॉसिबिलिटी बनेगी, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अगर ऊपर से थर्ड पार्टी करते बिकॉज उन्होंने गनशॉट सुने थे, बट आई थिंक पॉसिबिलिटी है यहां पे जो क्लच गॉड जा रहे बिकॉज एक ट्री का कवर था जोनाथन के पास, बट एक लाइक मैं बोलूंगा एक गैम्बल था टीएस एंडीटी जो प्लेयर्स मुड़ के आए थे, बट जोनाथन को बचा लिया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर। प्यारी पोजीशन है बीटीआर के पास, अपर एरिया एडवांटेज लेकिन सर्कल नहीं है, माइक्रोवेव को स्पॉट जरूर किया गया, मलिक ने यहां पर स्प्रे देने की कोशिश की, गाड़ी को जरूर डैमेज दिया होगा। मॉफ के फ्रेंजी डाउन हो चुके हैं, आई शॉट्स की कार नाइटेड के बॉक्स के ब्रेक फिनिश कर चुके हैं, नोवा गॉड लाइक है स्मोकी को, नोवा गॉड लाइक वन सेकंड थोड़ी सी मुश्किल है, बट बीटीआर दे डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस फाइट, वो इस फाइट के अंदर ही आ रहे हैं। माइक्रोवेव यहां पर बग्गी रोक चुके हैं, बीटीआर के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और मलिक जंप नेट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बेहतरीन ग्रेनेड यहां पर जा सकता है बीटीआर के प्लेयर्स के आगे, चॉकलेट यहां पर बॉक्स की भी एलिमिनेशन हो चुका है, बट देन लक्सी यहां पर डाउन हो चुके हैं, लक्सी के ऊपर एक ग्रेनेड चल रहा है, मुश्किल है उनके लिए बन सकती है, बट M249 के पास तो एक चीज है, बट BTR has been eliminated by freestyle for sure। Weekend में सेम चीज हुई थी, freestyle यहां पे BTR को बैक टू बैक उनको बैकस्टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी freestyle का स्क्वाड 4 किल और वो भी बड़े किल्स मैं बोलूंगा, बट नो चांस के ऑप्टल्स भी नॉकडाउन होते नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे वन साइड आप देखोगे बाबा ने किस तरीके से डीपी से नॉकडाउन करा, बाद में वो गन स्विच भी देखने को मिले, बट बाबा डिड अ फैंटास्टिक जॉब, वो जो पेट्रोल पंप वाली फाइट थी वो होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, आप वन साइड ही देख सकते हैं एफएस के बाबा ने किस तरीके से वो फाइट निकाला, बट नियो भी इस वाली फाइट में आएंगे, ऑप्टल्स का किल कंफर्म करेंगे, यू हाई ने भी वो फाइट अभी भी निकाला, बट रीप्ले आप देख सकते हैं बाबा ने पहले M416 से पहले फाइट ली, एंड जब उनको लगा कि अब मेरी मैगजीन खत्म हो रही है फिर वहां पे उन्होंने राइजन को शॉट्स लेने शुरू करें, वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी DP28 उन्होंने स्विच करी, विच वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास अगर 10 गोलियां बचती है आप मैक्सिमम एक प्लेयर नॉकडाउन कर सकते हो। स्विचिंग इज फास्टर देन रीलोडिंग, और बाबा ने इसका एक सब टीम्स का टीएस एमटीटी इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, नियो ग्रेनेड से मेगा के स्वैग को पिकअप करेंगे, यहां पर नियो के ऊपर भी शॉट्स नहीं कोशिश थी मावी की, लेकिन अब सर्कल की फाइट अपनी तरफ खींचना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूडू के ट्रैश को देखिए धीरे-धीरे बैंडेजेस लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर जोनाथन आएंगे और स्वैग को फिनिश ऑफ कर देंगे इस फाइट के अंदर। बिल्कुल मेगा के स्वैग भी फिनिश हो चुके हैं, अब जोन की जो फाइट है वो टीएस एमटीटी के ऊपर आ चुकी है, अब देखते हैं उनके राइट साइड मेगा स्टार्स के बाकी भी प्लेयर आने की कोशिश करेंगे, अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट लेके टीएस एमटीटी के प्लेयर्स 15 पॉइंट लेके बैठे हुए, दैट मींस 15 किल्स टीएस एमटीटी का प्लेयर लेके बैठे हुए, तीन टीमें हैं जिंदा, बट एनकोर ने सामने क्लच गॉड को नॉकडाउन करा, जी गॉड का एक ग्रेनेड जाएगा वेक्सी को पूरा फिनिश करेगा, एनकोर भी नॉकडाउन होगा उसी एक ओपी ग्रेनेड के द्वारा, जोनाथन की DP28 रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऑरेंज रॉक के मावी भी पूरे फिनिश हो जाएंगे, टीएस एमटीटी के तीन प्लेयर अभी भी जिंदा है, वो जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉप 5 टीम्स हमारे सामने जिंदा, 15 प्लेयर्स है, देखते हैं कौन सी टीम निकाल के जगह वाला मैच, दिग्गज टीम्स यहां पर बचती हुई, 4 टीमें बची, इन सबके बीच में आप देखिए जोनाथन वहां पर रिवाइवल के लिए एक तरीके से बैठे हुए, यू लेवल अप के प्लेयर्स वाइल्डर्स के प्लेयर्स के साथ एक अलग फाइट ले रहे हैं, मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को अपना किल्स का खाता भी खोलना है, बट टीएस एमटीटी 18 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं, मेगा स्टार्स 0 किल के साथ एलिमिनेट यहां पर हो रहे हैं, बट टीएस एमटीटी जो चीज यहां पर स्टार्ट हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्लच गॉड है जोनाथन है, स्मोक का कवर है, वाइल्डर्स के प्लेयर्स बीच में, यू लेवल अप के प्लेयर्स अगर फाइट लेना चाहे तो बड़ा एडवांटेज रहेगा, बट यू लेवल अप के पास भी 4 प्लेयर्स हैं, बट वाइल्डर्स के प्लेयर सैंडविच पोजीशन में जरूर, बट 2 प्लेयर उनके देखते किस तरीके निकाले, बट टीएस एमटीटी दे डोंट वांट टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज़ 19 किल्स हैं, अब सामने उनके पास और भी देखते किस तरीके वो लोग खेलने निकाले बिकॉज़ 6 प्लेयर्स हैं, ग्रेनेड जरूर आ रहे हैं वैल्डस के साइड से, बट देखते किस तरह वाली फाइट अनफोल्ड होगी बिकॉज़ पहले यू लेवल अप वर्सेस वैल्डस होता हुआ नजर, अगर आई विल बी सरप्राइज बिकॉज़ टीएस एमटीटी अगर वाली फाइट में पहले आती है तो फिर दे आर गोइंग जस्ट टू मच एग्रेसिव, बट सामने मार्टिन का ग्रेनेड जरूर आएगा, बट क्लच गॉड थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, बट हमें चक्सन नॉकडाउन करेंगे मार्टिन को, चक्सन भी नॉकडाउन हो जाएंगे, बट
स्टार्ट किया, एक बहुत ही प्यारा रिटेलिएशन फायर, उसके चलते वाइल्ड एज द मर्डरर विल गेट एलिमिनेटेड। टॉप टू टीम्स आर अलाइव, 4 vs 4 की फाइट है। रिवाइवल पोजीशन में जरूर है, वहां पे यू लेवल के प्लेयर्स, कोई भी फिनिश नहीं होगा। स्प्लिट यहां पे मैं देख के थोड़ा सा चंबित हूं, बिकॉज टी सेमेटिक का स्क्वाड कभी भी इतना स्प्लिट नहीं होगा। बट जॉनाथन ने ओपनिंग निकाल लिया, यहां पे कमाओ को नॉकडाउन कर दिया है क्लच गॉड। अगर वो तुरप का इक्का बन के आखिरी में आते तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर बनेगा, बट जॉनाथन ही इज 1 HP, क्या जोन का डिसएडवांटेज उन्हें रहेगा कि नहीं। क्लच गॉड पूरा फिनिश करेंगे कमाओ को। TSM Entity आगे मूव कर रही है चिकन डिनर के लिए, ये अच्छे खासे 23 स्किल्स यहां पर चिकन डिनर कर सकती है। 24 इज द रिकॉर्ड फॉर एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। TSM Entity ऑलरेडी उसके ऊपर सीगोड आगे आ चुके हैं। 23 प्लेयर्स आर नॉट एट ऑल स्टॉपिंग, बट सीगोड को डाउन किया, चक्षण यहां पर बचे जरूर है, बट ही विल बी टेकन डाउन। सीगोड को डाउन किया जा चुका है, विंटर भी बचे हुए, विंटर और चक्षण की जोड़ी क्लच गॉड को डाउन कर चुकी है। TSM Entity मुश्किलों में आ चुके हैं, बट चक्षण की हेल्थ आप देखिए बहुत कम है, नियो भी डाउन हो चुके हैं। जॉनाथन अकेले प्लेयर बचे, क्या जॉनाथन यहां पर फाइट निकाल पाएंगे? जॉनाथन स्पॉट्स वन, बट almost वहां पर फाइट निकालने की कोशिश थी, बट यू लेवल अप मैन, दैट वाज अमेजिंग। TSM Entity का जो स्क्वाड था, सी गॉड ने जो इंडिविजुअली पुश करा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहीं पे उन्होंने गलती कर, तीनों प्लेयर इकट्ठे आते तो फिर 2 vs 3 का सिचुएशन बनता, बट दैट वाज अ गुड गेम बाय टॉप 3 टीम्स। वाइल्डर्स ने भी अपना पूरा 100% दिया। दिस चिकन मांगता है, 21 किल्स की धार सुन ली रहेगी तो और भी आने वाला है। भाजी ओवर कॉन्फिडेंस कम करने के लिए बोलो उन्हें, चिकन मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा चिकन मिस होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी था मीट, मीट विस्की, आई नो नाम और शक्ल बिल्कुल मैच नहीं होती, बट दिस इज विस्की। मस्त है यार ये ना। ओ TSM कहाँ से खेल रहे हैं? TSM अपने बोट कैंप से ही खेल रहे हैं हम लोग फिलहाल। 21 किल्स बोलते, यस 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 यस, बहुत सही खेले लौंडे, बहुत ज़्यादा सही खेले। एंड आई गेस अभी तक का PMPL का सबसे हाईएस्ट किल्स इन ए मैच शायद से लोग का ही है, अपने बंदे लोग का ही है। एसेट बोट कैंप एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार। The food, environment, ambience, model, the SADUL family, एक नंबर। Orange Rock भी बहुत शानदार खेल रहे, बट फेवर यहाँ पे Orange Rock को जरूर करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेल और उनकी जो पूरी स्क्वाड है सर्कल के अंदर है, बाकी सारी स्क्वाड्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे स्काउट बॉक्स के ब्रेक को नॉक करते हुए, बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे ब्रिज के उस तरफ थे, तो यहाँ पे पुशिंग करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दो प्लेयर्स अभी बॉक्स के जीवित है, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार पॉप इन कर पाएंगे। उनको पता है जोन, एंड 1 HP वापस से जोन के अंदर एंट्री लेंगे। यू हाई किसी ने स्पॉट नहीं करा, आई शॉट्स मैट टॉय सारे थे उधर, बट Orange Rock के स्काउट आखिरी में उन्हें पिक ऑफ करेंगे, जिसके चलते मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। टॉप 4 टीम्स आर अलाइव। Orange Rock टीम सीक्रेट बहुत ही प्यारी पोजिशन में, टीम सीक्रेट के पास ऑलरेडी 10 किल आ चुके हैं। Orange Rock दे आर ऑल्सो गोइंग ऑन हाई रोल राइट नाउ, इस वाले मैच में देखते हैं किस रोल परफॉर्म करेंगे। Orange Rock के स्काउट ने अपना बैकपैक जरूर फेंक रखा है, बट स्काउट एक और ओपनिंग वापस से निकाले कि टीम सीक्रेट के UI नॉकडाउन होंगे, बट बॉक्स के प्लेयर्स के लिए KOG के सूप जो आखिरी प्लेयर बचे, क्या लोकी का किल निकाल के भी जिंदा है। Orange Rock और टीम सीक्रेट के बीच में एक बहुत बेहतरीन जंग देखने को मिल सकती है। स्काउट जिसमें ऑलरेडी यहां पे 6 किल्स निकाल चुके हैं, KOG के सूप काफी मुसीबतें क्रिएट कर सकते हैं Orange Rock के लिए, बट Orange Rock के प्लेयर्स ने यहां पे ठान रखी है चिकन डिनर लेने की। और UI के तरफ यहां पे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वीरू यहां पे कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ग्रेनेड अगर UI के तरफ जाता है, एक अगर अच्छा नॉक मिलता है, इंस्टेंटली टीम Orange Rock के प्लेयर्स उनके ऊपर पुश कर देंगे। बिल्कुल, एक चीज जरूर हम लोगों को पता है, थ्रोएबल्स का यूटिलाइजेशन होना है। मावी आगे, मावी उनका पेड़ अभी भी जिंदा है, और यहाँ पे पेड़ गाड़ी के पीछे थे, गाड़ी को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा था, बट फिलहाल गेल यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। मावी यहाँ पे काफी करीब आएंगे, स्काउट को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है, गेल यहाँ पे फिनिश जरूर हो जाएंगे, बट वीरू ने यहाँ पे UI के ऊपर एक शानदार नॉक निकाल लिखा है, बट मैट टॉय ने यहाँ पे वीरू को नॉक कर दिया। मवी को यहाँ पे इंस्टेंटली हील अप जरूर करना पड़ेगा, आई शॉट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड से रोटेट कर रहे हैं, बट ये एक अच्छा मौका हो सकता है सूप के पास, और उन्होंने इस चीज का फायदा जरूर उठाया और आई शॉट्स को कर दिया है नॉक।
क्या आप ये कह सकते हैं सूप ने ऑरेंज रॉक के लिए जो काम था थोड़ा सा आसान कर दिया, बिकॉज मैट टॉ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सीक्रेट एंड सामने से केओजी के जो सूप 77 ही इज आल्सो प्लेइंग अमेजिंगली वेल, किल्स बटोर रहे हैं, नॉक्स कर रहे हैं, बट सूप ने अपना किल्स होता वो कंफर्म कर बैठे, ग्रेनेड आएगा ऑरेंज रॉक के मावी का, दैट वॉज अ गोल्डन ग्रेनेड फ्रॉम द गोल्डन हैंड, बट सामने मैट टॉय प्रोन्ड है, अपनी पोजिशन बिल्कुल डील नहीं कर रहे। अब सूप ने क्या करा है, बैक पैक सब कुछ फेंक दिया, आखिरी में आपके पास वट मैटर्स इज कि आप अपनी पोजिशन थोड़ी सी बचा के रखो, एंड अगर आपके पास बैक पैक है यू कैन गेट स्पॉटेड वेरी इजीली, बट ऑरेंज रॉक के तीन प्लेयर अभी भी जिंदा है, सिर्फ गिल फिनिश हुए थे जो कि आई शॉट्स ने करा था, बट अभी सूप क्या सीक्रेट के लिए भी एक अच्छा चांस मिल जाएगा, बट ऑरेंज रॉक के मवी यहाँ पे स्प्रेड आउट जरूर थे, बट मवी का यहाँ पे नॉक आता हुआ यू हाई के ऊपर, और अभी मैट टॉय फर्स्ट एड लगा रहे, हील बैटल की तरफ बढ़ रहे, बट हील बैटल करने में सक्षम नहीं रहेंगे, ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत ही शानदार मौका है यहाँ पे चिकन डिनर देने का, और देखता यह रहेगा कि क्या वो ले सकते हैं या नहीं, बट अभी मेरे ख्याल से वीनू ने स्पॉट कर लिया है सूप को एंड ही विल गेट फिनिश eventually because this match is going towards Orange Rock and individual players ke stats ke upar जो रहेंगे ऑरेंज रॉक के गिल और टीएसएम एंटिटी के जोनाथन। साउथ एशिया के दो बेस्ट परफॉर्मर्स आप इनको बोल सकते हैं, 71 किल्स 75 किल्स 14,616 के डैमेज में 71 किल्स है तो 17,450, तो आप देखिए कि कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में यहां पर बनकर बैठा है, ऑलमोस्ट 2700 के आसपास का डैमेज डिस्टेंस इनके बीच में, और उसके अंदर चार किल्स वहां पर जोनाथन के पास एक्स्ट्रा जाते हैं, 22 हेडशॉट्स यहां पर, 15 हेडशॉट्स वहां पर, मैचेस प्लेड ऑब्वियसली एक दूसरे के आसपास ही हैं, वो सब अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, अभी टीएसएम एंटिटी अपना 57th मैच खेलेगी और ऑरेंज रॉक को इस मैच के लिए आराम मिलेगा, तो वो यहां पे ऑरेंज रॉक और टीएसएम एंटिटी के बीच में हम लोग को जरूर फाइट देखने को मिल सकता है, और यस शुरुआत जरूर हो चुकी है, जोनाथन ने यहां पे नॉक कर दिया वीरू को, और पूरी की पूरी टीएसएम एंटिटी की स्क्वाड यहां पे मवी के ऊपर चढ़ के जा रही है, और यहां पे इसका जो ऑरेंज रॉक का जो आइसोलेशन का यहां पे फायदा जरूर उठाना चाहेंगे, वीरू को कंप्लीटली पिन से डाउन रखा है जोनाथन ने यहां पे, उनके तरफ भी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे, मवी का यहां पे प्री नेट देखने को मिलता हुआ, देखते हैं क्लच गॉड क्या यहां पे ओवर कमिट करते हैं या नहीं। टीएसएमटी के दो दो करके प्लेयर्स घुसे जो एक अच्छी स्ट्रेटजी यहां पर बन सकती है, आप देखिए जब जी गॉड है तो क्लच गॉड उनके पास है, नियो भी साइड बाय साइड आ ही रहे हैं, और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जोनाथन ने स्काउट को पिक ऑफ किया, नियो ने गिल को पिक ऑफ किया, मावी अकेले बचते, ग्रेनेड उन्हें बाहर कर दिया और एक प्लेयर को लेकर जाता उनका ग्रेनेड मावी, लेकिन यहां पर कितनी देर तक बच पाएंगे बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए बचना, और टीएसएमटी ये फाइट अपने हिस्से में बेहतरीन तरीके से निकालती है, इस फाइट के अंदर यही चीज आता है कि ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, जिससे यूज करते हुए गैलेक्सी रेसर सेल्स के टीएसएम एंटिटी को इस स्टंट हाउस से दूर रखने की कोशिश में, बट क्लच गॉड है, ही इज अ गॉड, नाम में गॉड है, आतंकी को पिक ऑफ करेंगे जी हां, बट टीएसएम एंटिटी किस एंगल से पुश करेगी ये जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स भी यहां पे मौजूद हो चुके हैं, और यहां पे किसी उनको भी स्पॉट कर सकते हैं, मीनवाइल जोनाथन यहां पे आरआर क्योंकि अर्नी को पिक ऑफ करते हुए, और नियो ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के फिनिश ऑफ करा, और आई थिंक ओशन हैज अ पॉइंट, यहां G9 को उन्होंने G9 के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अर्नी को वहां पर जोनाथन ने किया लाइक गाड़ी के साथ यहां पर फाइट ले, दे डोंट नीड गन्स, दे आर सो गुड एंड कंपोज विद देयर एरियाज, एक बेहतरीन फाइट यहां पर निकाल रहे, मॉफ के फ्रेंजी जरूर यहां, केओजी के ब्रागा के ऊपर ऑलमोस्ट यहां पे गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते रह गए, और यहां पे ओपन में आ चुके चारों तरफ से इनके ऊपर शॉट्स आ रहे, बट टीएसएम एंटिटी के बाकी प्लेयर्स भी यहां पे क्लोजिंग कर चुके, ब्रागा किसी भी क्षण यहां पे क्लच गॉड के ऊपर एक भी अगर ग्रेनेड फेंकते तो वो काफी मुसीबतों में फंस जाएंगे, लुक एट ब्रागा, एक सही नेड यहां पर टीएसएम एंटिटी के लिए मुश्किल बन सकता है, स्मोक जरूर हो रखा है, अगला चीज यहां पर नेड आ सकती है, एंड सही एरिया पर है क्लच गॉड, देयर इज अ नेड एंड दैट वाज ब्रागा फॉर यू, अब आगे क्या फाइट रहेगी देखना पड़ेगा, सांप के साथ साथ यहां पर गमला बनकर बैठे इस एरिया के बीच में, एक और ग्रेनेड गया जरूर था, डैमेज हल्का सा क्लच गॉड को दिया, आरआर क्यू दिना को मेगा स्टार्स वहां पर एलिमिनेट करती है, D2 goes on by a grenade, Nova God लेके अस्तर है, मॉब के प्लेस को लेकर जा रहे हैं, बट ब्रागा वो नहीं रुकना चाहते, एक मैन मेड रेड जोन इस एरिया पर रहेगा, सेकंड ग्रेनेड वहां पर, थर्ड ग्रेनेड गया जरूर था, बट एज ऑफ नाउ ज्यादा डिफरेंस नहीं निकाल पाए, बट अब ब्रागा को ढूंढने का हंट शुरू होता है टीएसएम एंटिटी के हाथों, जी और टीएसएम एंटिटी ने बहुत ही अच्छा यहां पे स्मोक स्प्रेड करा है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और जोनाथन आप देखिए यहां पे काफी चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, मीनवाइल सी गॉड को फिर से यहां पे पिक ऑफ करने की कोशिश और कर भी दिया है, ब्रागा यहां पे नॉक करने के बाद अभी कमिट करेंगे, बट उससे पहले यहां पे क्लच गॉड उनको ढूंढ निकालेंगे, बॉसडा ने यहां पे पुश जरूर दिखा दिया, नियोक भी यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, बॉसडा और कॉन्सेप्ट यहां पे फिनिश होते हुए यहां पे मेगा स्टार्स के वैक्सी ने
ने यहाँ पे उनके लिए किल सिक्योर कर दिया है। और TSM NTT के क्लच गॉड को यहाँ पे ब्रागा का किल जरूर मिलेगा, बट मेगा स्टार्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन KOG का पुश रोकती हुई एक चीज रही। लेकिन अगर आप सर्कल देखें, सिनर्जी, मेगा स्टार, CSM NTT, गैलेक्सी रेसर सेल्स, नोवा गॉड लाइक, ये सब टीम साउथ एशियन टीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। चिकन डिनर किसी एक साउथ एशियन टीम के हाथ में जाएगा। मॉफ के प्लेयर जरूर है वहां पर, फ्रेंड्स ये हमें दिख रहे हैं, बट एक अकेला प्लेयर और बाकी सब टीम्स के तीन तीन प्लेयर्स, दिस इज अ बिग वन। जी हाँ, और रॉक्स ने यहाँ पे मेगास्टार्स के वैक्सी को पिक ऑफ कर दिया। काफी ओपन में मेगास्टार्स के प्लेयर स्मोक जरूर डाल रखा था और उसका फायदा यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स उठा रहे। अल्ट्रॉन की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक ऑफ पेटागन जो कि है VSS, बट क्लच गॉड को देखिए वैक्सी का किल इन्होंने सिक्योर कर दिया। जी गॉड यहाँ पे स्प्रे करते जा रहे, तीन बैंडेजेस, मात्र तीन बैंडेजेस के सहारे जिंदा है। अल्ट्रॉन को अभी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, बट TSM NTT यहाँ पे उनके लिए इंतजार कर रही है। नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस के पास एक अच्छा मौका है, अगर जोनाथन को स्पॉट कर सकते हैं तो नॉक भी निकाल सकते हैं। स्मोकी के पास भी एक अच्छा मौका है, ग्रेनेड्स का प्रहार देखना चाहूंगा मैं, और ये तीन तिगड़म की फाइट जरूर बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगी। TSM NTT खुश रहेगी, वो स्टंट हाउस नहीं लिया उन्होंने, बिकॉज़ नीचे नोवा गॉड लाइक रहते। फ्रेंड्स लुक एट दिस, हैज नथिंग इन हिज बैकपैक, आउट देयर बैकपैक भी नहीं है, व्हाट कैन वी जस्ट से अबाउट इट। और उनको बस बैठे रहना है, उनको स्पॉट नहीं होना, उनको उस एरिया में रहना है। आई विल अस्यूम उनके पास स्मोक्स नहीं रहेंगे। आतंकी यहां पर डाउन होते हैं, नोवा गॉड लाइक के हस्तर के द्वारा फिनिश ऑफ भी करने की कोशिश रहेगी, एंड फिनिश ऑफ किया जाएगा आराम से। स्लोली ब्लीड आउट रह रहे थे, बट स्मोकी को यहां पर पिक ऑफ करेंगे जोनाथन, और जोनाथन अब आगे मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जोनाथन इज रेडी फॉर फाइट, एग्जिस्टेंस को स्पॉट जरूर कर चुके हैं। 34 बुलेट, 3 किल्स इनके पास, 14 किल और 5 किल इनके सामने, एक को नॉक कर दिया, दूसरा प्लेयर स्पॉटेड कर चुके हैं यहां पर, बट ओपन एरिया, अपर एरिया की फाइट रहेगी। जोनाथन गोस डाउन इन दैट वन, पीछे से क्लच गॉड आते हैं और बेहतरीन फाइट अपने लिए निकालने की कोशिश। अल्ट्रॉन भी आ चुके हैं, पूरी फाइट यहां पर, हेल हैज ब्रोकन लूज इन दिस एरिया। जी हाँ, और अल्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पूरी नोवा गॉड लाइक की स्क्वाड को वाइप आउट करके गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स पीछे से आ रहे। TSM NTT के क्लच गॉड को जरूर स्पॉट आउट कर पाएंगे। चार प्लेयर जीवित और तीन टीम्स अभी भी अलाइव है। मॉर्फ के फ्रेंड्स अभी भी जिंदा है, एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुके। क्लच गॉड के पास एक अच्छा मौका, अगर रॉक्स को स्पॉट कर पाएंगे तो इंस्टेंटली पूरी की पूरी गैलेक्सी रेसर्स अभी वाइप आउट हो जाएगी। क्लच गॉड के पास एक हाई ग्राउंड का अच्छा खासा एडवांटेज है, देखना पड़ेगा कि क्लच गॉड इसका फायदा उठाते हैं या नहीं। अल्ट्रॉन अभी भी नॉक पड़े, रॉक सर्कल के थोड़ा सा बाहर जाते हुए उनको ऑलरेडी प्लस स्पॉट आउट कर चुके। क्लच गॉड यहां पे प्रे डाउन करते हुए, बट यहां पे हिप फायर कर दिया, गलती कर दी और TSM NTT के साथ हो चुकी है एलिमिनेट। पहला गेम TSM NTT सेकंड आई थी, इस गेम में थर्ड आई है। पिछला गेम गैलेक्सी रेसर्स सेल्स सेकंड आई थी, इस गेम में अपने लिए एक चिकन डिनर निकालना चाहती है। फ्रेंजी 1 HP मिरेकल, क्या वो कर सकते हैं यहां पर? सेल्स रॉक्स को देखिए, उनके पास फर्स्ट एड है बट लगाने का टाइम नहीं है। यस 31 बुलेट्स, फाइनल 31 बुलेट्स, दे गो फॉर इट, 1 HP मिरेकल, माय गॉड, Oh my goodness, 1 HP पे थे, आखिरी प्लेयर थे, कोई बैंडेजेस नहीं था, गोलियां भी 31 ही थी, बट 31 गोलियां भी बहुत ज्यादा थी। आखिरी किल उन्होंने निकाला रॉक्स के ऊपर और मॉर्फ ने ले लिया एक शानदार शानदार विनर विनर चिकन डिनर।